रमन और उसका घोड़ा। एक बार एक अरब का व्यापारी राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। जा पना, मेरे पास कुछ ताकतवर तेज रफ्तार अरबी घोड़े बिकाऊ हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको इनसे बेहतरीन घोड़े और कहीं भी नहीं मिलेंगे। चलो देखते हैं, यदि हम संतुष्ट हुए तो सभी घोड़े खरीद लेंगे। अगले दिन राजा ने घोड़ों का निरीक्षण किया और व्यापारी से घोड़े खरीद लिए। राजा ने सोचा कि इतने सारे घोड़ों को सिखाना कठिन कार्य होगा, अतः उन्होंने एक उपाय सोचा। प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा दिया जाए, उन्हें घोड़े की देखभाल करनी होगी। मैं घोड़े के पोषण के लिए प्रतिमाह 3 सोने के सिक्के दूंगा। 3 माह के पश्चात मैं घोड़े का निरीक्षण करूंगा। प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा और 3 सोने के सिक्के मिले। तेनाली रमन को भी एक घोड़ा मिला। वो घोड़े को अपने घर ले गया और पिछवाड़े में उसने एक छोटी सी खिड़की वाली घुड़साल बनाई। उसने घोड़े को वहां बंद कर दिया। प्रतिदिन वो थोड़ा सा चारा खिड़की से डाल देता, जबकि अन्य लोगों ने अच्छी देखभाल की। यहां तक कि कुछ ने तो राजा को प्रसन्न करने के लिए उन 3 सोने के सिक्कों के अतिरिक्त अपने पास से भी धन लगा दिया। घोड़े तो बलवान हो गए, परंतु लोग निर्बल हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ। 3 मास हो चुके हैं, मैं घोड़ों को देखना चाहता हूं। सभी से कहो कि वो अपने घोड़े ले आए। अगले दिन तेनाली रमन के अतिरिक्त सभी अपने घोड़े के साथ आए। रमन, तुम अकेले खड़े हो, घोड़ा कहाँ है? हे महाराज, वो एक बहुत ही भयानक पशु है, मैं उसके समीप नहीं जा सकता। राजगुरु बदला लेने के लिए ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। घोड़ा इतना बिगड़ेल भला कैसे हो सकता है? क्या ये सत्य है? हे महाराज, मुझे दुख हुआ। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो राजगुरु को मेरे साथ भेजकर निरीक्षण करवा लें। गुरुजी, जाइए और घोड़े को ले आइए। मैं अभी जाता हूँ महाराज। अगर घोड़ा वहां पर है तो मैं स्वयं वहां जाकर उसे लेकर आता हूँ। रमन राजगुरु को लेकर घुड़साल में गया। मूर्ख मानव, इस कोठरी को तुम घुड़साल कहते हो? क्षमा करे गुरुजी, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ, अतः मुझे इसका ज्ञान नहीं है। चलो घोड़ा दिखाओ। इस ओर गुरुजी, आप उसे छेद में से देखें, परंतु ध्यान रहे, बाद में मुझे दोष मत देना। जैसे ही राजगुरु ने अपना सिर खिड़की के अंदर किया, भूखे पशु ने चारा समझकर उनकी दाढ़ी पकड़ ली। रमन, सहायता करो, मुझे समीप आने में डर लगता है, मैंने कहा था ना। चीखना चिल्लाना सुनकर लोग ये जानने के लिए इकट्ठा हुए कि क्या हुआ है। हमें दीवार तोड़नी होगी और कोई चारा नहीं है। तब देर किस बात की है, चलो दीवार तोड़े। जब दीवार तोड़ी गई, तब घोड़ा बाहर आया, परंतु दाढ़ी नहीं छोड़ी। राजगुरु की दाढ़ी काट कर उन्हें छुड़ाते हैं। उनकी रक्षा का बस यही उपाय है। दाढ़ी काटी गई, तभी राजगुरु छूट पाए। घोड़े को महाराज के पास ले चलो। घोड़े को घसीटकर राजा के पास ले जाया गया। जब राजा ने घोड़े को देखा, ये क्या रमन, घोड़ा इतना दुर्बल क्यों है? सोने के सिक्कों का तुमने क्या किया? घोड़े को चारा अल्प मात्रा में मिलता था, इसके अलावा ये अत्यंत बिगड़ैल भी था। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। है? क्या निवेदन है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की भलाई करना। हाँ, परंतु आपने उन पर घोड़ों की देखभाल का भार डाल दिया, इस कारण प्रजा हो गई दुर्बल और घोड़े हो गए बलवान। रमन, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अत्यंत चतुराई से मेरी भूल बता दी। ये पुरस्कार तुम्हारे लिए। राजा ने पुनः सोने के सिक्कों की एक थैली भेंट की। 8वीं थैली। दूत विजयनगर पहुंचा। ये क्या है?
मुझे दिखाओ। अच्छा, ये तो निमंत्रण पत्र है। रमन, तुमने विजयनगर का सम्मान बढ़ाया है। बादशाह ने तुम्हें